सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदिक उपचार को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आयुर्वेदिक औषधि स्मृति सागर रस के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं इसके गुण और उपयोग के बारे में। यह रसायन स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए परम उपयोगी है। इसके सेवन से स्नायिक दुर्बलता, मस्तिष्क की कमजोरी से पैदा होने वाले रोग, मूर्छा, उन्माद, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि में इसका प्रयोग करना बहुत लाभदायक है। ज्ञानवाहिनी नाड़ियों को इसके सेवन से बल और चेतना प्राप्त होती है। इस रसायन का विशेष उपयोग मानसिक रोगों में होता है। मनोविभ्रम के कारण होने वाले उन्माद रोगों में यह बहुत काम करता है। यह रोग मानसिक चिंता, दुख, शोक, भय, कार्य में दिन रात लिप्त रहने, गांजा, भांग, शराब आदि का अधिक व्यवहार करने, अति स्त्री प्रसंग, माथे में चोट लगने तथा पुराने आज तक आदि कारणों से उत्पन्न होता है। इन कारणों में प्रधान कारण मानसिक विकृति या ज्ञानवाहिनी नाड़ी की शिथिलता यानी कमजोरी है। पित्त की वृद्धि हो, रक्त में एकाएक गर्मी बढ़ जाती है, फिर यह गर्मी मस्तिष्क की ओर जाकर वहाँ की नाड़ियों को कमज़ोर बना देती है, जिससे दिमाग ठीक ठीक काम नहीं करता है। भूल पर भूल होना, जरूरी काम भी भूल जाना, पित्त अस्थिर यानी चंचल, चंचलता के कारण किसी काम में मन न लगना, आलस्य, नींद न आना, भूख कम लगना, विशेष चिंता, ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। किसी किसी मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी होती है कि वह किसी भी बात को अनसुना कर देता है, यानी कि असहनशीलता बहुत बढ़ जाती है। रोग मानसिक और शारीरिक दोष के भेद से दो प्रकार के होते हैं। दोषात्मक के कारण अनेक लक्षण शास्त्र में वर्णित है। इसके अतिरिक्त देव और पितृग्रह संबंधी भी होते हैं। कोमल प्रकृति वालों को यह रोग शीघ्र हो जाता है, इसलिए स्त्रियां इस रोग से शीघ्र ही आक्रांत हो जाती है। तो जानते हैं इसे घटक के बारे में। इसे घटक की बात करें तो शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, शुद्ध हड़ताल, शुद्ध मैनशील, स्वर्णमाक्षिक भस्म और ताम्रभस्म इत्यादि का मिश्रण है। इसका सेवन विधि की बात करें तो एक एक गोली सुबह शाम घी के साथ दें अथवा गर्म दूध में ब्राह्मी ध्रुत मिलाकर उसके साथ दें। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।